दीवारों पर लगे सम्मान के ये प्रतीक, अलमारी में सजी ये पुस्तकें और बिस्तर पर पड़े इस शख्स को देखिए। झारखंड में कला और साहित्य को मुकाम देने वाले आधुनिक थिएटर के प्रणेता ये हैं रांची के अशोक पागल। अशोक पागल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड सरकार ने 2007 में इन्हें राजकीय सम्मान से नवाजा है। अब तक दर्जनों किताबें लिख चुके हैं अशोक पागल। हालांकि आज इनके बारे में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अपना पूरा जीवन कला और साहित्य को देने वाला ये कलाकार मुफलिसी में है, मजबूरी में है। 2 जून रोटी का इंतजाम तो किसी तरह हो जाता है, लेकिन बीमारी ने 3 साल से जिस तरह बिस्तर पर पटका है, उससे पता नहीं कब तक जिंदा रहने के लिए भोजन भी नसीब हो सकेगा। इस वक्त मैं राजधानी रांची के शहीद चौक के निकट एक ऐसे कमरे में हूँ। पहले उस कमरे की पूरी तस्वीर आपको दिखा दूँ कि आपको हर तरफ यहाँ पर सम्मान के वो प्रतीक चिन्ह दिखेंगे जो अलग अलग मंच पर सम्मानित करने के दौरान मिला है। यह आप चारों तरफ का कमरे का नज़ारा देख सकते हैं। दरअसल यह कमरा है अशोक पागल का। अशोक पागल झारखंड में या फिर पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दर्जनों किताबें वह लिख चुके हैं। आधुनिक थिएटर के जनक माने जाते हैं। झारखंड में एक सुकृति प्रेस चलता था जहां पर तमाम जितने बड़े साहित्यकार हैं उनकी किताबें छप चुकी है। करीब 5 साल पहले वह प्रेस बंद हो चुका और उसके बाद से उनकी स्थिति खराब है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अशोक पागल का रांची के शहीद चौक के पास खुद का एक प्रेस था, नाम था स्वीकृत। बीमारी के इलाज में उसे भी बेचना पड़ा। उस प्रेस में रामदयाल मुंडा सरीखे साहित्यकारों का आना जाना था। उनकी किताबें भी इसी प्रेस में छप चुकी हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। जो बचा है वो है 10x10 का ये कमरा और उसकी दीवार पर टंगे ये सम्मान। अशोक पागल इसी कमरे में अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ रहते हैं। बच्चे नहीं है, लिहाजा देखभाल भी खुद ही करनी होती है। तंगहाली और मजबूरी में जी रहे अशोक पागल ने 8 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी। बोले, कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन शायद मेरा खराब गुर्दा मेरी जान ले ले। लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई सहायता नहीं मिल सकी है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही गुहार लगाए थे कि लॉकडाउन में हमको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, तो और बिना चिकित्सकीय सुविधा के हमारी हालत ख़राब होती जा रही थी, तो हम ये गुहार लगाए थे कि कोई सुविधा जुटाई जाए और हमको किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाए ताकि हम मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। क्या हो गया है? हम पिछले 3 साल से गुर्दे की रोग से पीड़ित हैं। एक बार हार्ट अटैक भी हो चुका है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो सब तो सामयिक बातें हैं, लेकिन गुर्दे का रोग पिछले 3 साल से धीरे धीरे मेरे को ज़्यादा परेशान कर रहा है। कोई रिप्लाई आया वहाँ से? रिप्लाई नहीं, शब्द इस्तेमाल कीजिए, रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अच्छा। जवाब तो उन्होंने दिया कि अच्छा कल बताएंगे, लेकिन वो आज तक वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ। रिप्लाई और रिस्पॉन्स में फर्क है। क्या किन किन दिक्कतों को का सामना करना पड़ रहा है? इससे पहले आप क्या करते थे और अभी लॉकडाउन में फिर क्या करना पड़ रहा है? देखिए, बीमार पड़ने से पहले हम एक छोटा सा प्रेस चलाते थे, मेरी जीविका का वही साधन था। लेकिन फिजिकली जब हम अस्वस्थ हो गए तो काम करने की स्थिति मेरी नहीं रही, मेहनत करने की स्थिति नहीं रही, तो हमने प्रेस बंद कर दिया। और प्रेस बंद करने के बाद मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम अब कुछ नहीं है, तो बैठ करके खाना
खाना तो किसी तरह चल भी जाए, लेकिन महंगी दवाओं का जुगाड़ करना ये संभव नहीं हो रहा है। कभी कभी उसमें दिक्कत आ जाती है। और अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं चंदा मांग करके अपने लिए दवाएं जुटाइए, मेरे को गवारा नहीं होता है। बस अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई, उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अब इंतजार करने के सिवा कर भी क्या सकते हैं। अशोक पागल की स्थिति देखकर साहित्यकार और रंगमंच से जुड़े कुछ लोग उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अशोक पागल को हेमंत सरकार से मदद की आस है। देखिए, कलाकार स्वाभिमानी आदमी होता है ना, और इसीलिए वो कलाकार होता है। तो अशोक जी कलाकार हैं, इसलिए वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपनी बीमारी का, अपनी आर्थिक परेशानियों का, और उनको जो चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, इसके लिए उन्होंने कोई रोना धोना नहीं किया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार, जिस झारखंड सरकार ने उनको राजकीय सम्मान दिया, जिन्होंने उसको प्रदेश की एक विभूति के तौर पे एक्सेप्ट किया, वो उनको मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। आज ये लाचार हैं, ये असमर्थ हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये मेहनत नहीं कर पा सकते हैं, 3 साल से बिस्तर पर पड़े हैं। तो क्या सरकार का काम सिर्फ एक सम्मान पत्र दे देना भर है, एक चादर उड़ा देना भर है? क्या सरकार के और ये जो कल्चर मिनिस्ट्री में तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो लाखों रुपया, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्या उनके ऊपर ये दायित्व नहीं है कि वो उन कलाकारों की सुधि लें जिनको उन्होंने सम्मानित किया है राज्य की ओर से, जिनको राज्य का विभूष माने कला विभूति घोषित किया है? तो हमारे जैसे लोगों की मांग है, और राज्य के तमाम थिएटर आर्टिस्टों की तरफ से, कलाकारों की तरफ से, साहित्यकारों की ओर से, हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो हमारे इस प्रांत के कला विभूति हैं, जो लोग हैं जिनका बड़ा योगदान है इस राज्य को आगे ले जाने में और इस देश की कला संस्कृति को समृद्ध करने में, उनकी देखभाल सरकार को जरूर करनी चाहिए। और हम ये आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहेंगे कि सरकार तुरंत इनके उच्च चिकित्सा की व्यवस्था करे, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग जो इनको जानते हैं, जो पूरा प्रदेश और देश उनको जानता है, इस बात के लिए सरकार को और इस व्यवस्था को कभी माफ नहीं करेंगे। झारखंड की एक पहचान कला और संस्कृति से भी होती है, लेकिन झारखंड में कलाकार की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.